हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। वेल फ्रेंड्स, तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इसमें बैंकिंग क्लर्क के लिए एक बड़ा सा वैकेंसी आया है, बड़ा नोटिफिकेशन है, तो उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। क्योंकि आप में से कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो जिनके लिए ये रिलीवेंट हो, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या बैंक में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। तो एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, सो आई थॉट कि इसको आपको आपके साथ शेयर किया जाए। तो आप देख सकते हो, IBPS क्लर्कियल कैडर भर्ती परीक्षा 2021 देश के 11 सरकारी बैंक में क्लर्क भर्ती के लिए जारी हुई अधिसूचना 20 से 28 साल जो एज लिमिट है तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसे अप्लाई कर सकेंगे। और जो लास्ट डेट इसका रहने वाला है तो 1 अगस्त है, तो अभी काफ़ी टाइम है। तो आप में से, या हो सकता है आपके नियर एंड डियर वंस, आपके भाई हों, आपके फ्रेंड हों, तो उसमें कई सारे BPSC के अलावा होते हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए तैयारी करते हैं, क्लर्क के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा आती है और एक अच्छा पोस्ट माना जाता है। तो आप उन्हें बता सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं जो IBPS है, क्योंकि जो भी बैंकिंग सेक्टर की वो IBPS एग्जाम्स कंडक्ट करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो पर्टिकुलर बैंक तो कंडक्ट नहीं करती है, अभी सारे बैंकिंग के कम्बाइंड जो भी वैकेंसीज आती है एक साथ आती है। तो पदों की संख्या 5,865, तो लगभग 6,000 पोस्ट है, तो अच्छा पोस्ट है। इसमें योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए, आयु सीमा 20 साल से लेकर 28 साल मैक्सिमम, और आवेदन की जो लास्ट तारीख रहेगी वो 1 अगस्त 2021 रहेगी। तो आपको बता दूं फ्रेंड, बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए RRB PO व क्लर्क की भर्ती के बाद एक और सुनहरा मौका आया है। तो ये पहले ही क्लर्क और जो PO की हो रखी थी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने देश के 11 सरकारी बैंकों में क्लर्क 2021 की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बैंक अधिकारी सुदेश पुनिया के अनुसार इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त तय की गई है। SC ST व PWD वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹175 आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, और OBC व सामान्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 850 रुपये तय किया गया है। थोड़ा सा ज़्यादा फीस रखा गया है मेरे हिसाब से। तो योग्यता स्नातक तय की गई है, जो ग्रेजुएट होना चाहिए। 6 सितंबर 2021 तक परिणाम जारी होने वाले अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 से 28 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो एज हैं लिमिट, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार जो मतलब कैटेगरी वाइज जो भी रिबेट एज रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें भी दिया जाएगा। बात करें आवेदन कैसे करना है, तो आप वेबसाइट www.ibps.in से आवेदक खुद आवेदन कर सकता है। स्कैन, सिग्नेचर, फोटो एवं अंडरटेकिंग अपलोड करनी होती है, और फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, ATM, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो जो भी ये रिक्वायरमेंट है, स्कैन, सिग्नेचर है, फोटोग्राफ्स आपके हैं, तो ये सब मेरे को पता है फ्रेंड, आप लोग ये तो रखते ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्या कहें, आज के डेट में 90% एग्जाम्स हैं जो कि हम ऑनलाइन ही फिलअप करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया फ्रेंड्स, पदों की संख्या जो 5,858 रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, आवेदन शुरू होने की 12 जुलाई से शुरू हो गई है इसके लिए प्रोसेस। आवेदन की आखिरी तारीख 1 अगस्त रहने वाली है। प्रीलिम एग्ज़ाम 28, 29 अगस्त और 4 सितंबर, ये 3 डेट्स में होंगे, और मेन परीक्षा 31 अक्टूबर को मेंस एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड, अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आप ये एग्ज़ाम नहीं देंगे, बट जैसा कि मैंने पहले आपको बताया वीडियो में, हो सकता है आपके नियर एंड डियर वंस या आपके दूसरे फ्रेंड जो इस एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो टाइमली इसको अप्लाई कर सकें। बाकी आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।